इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महंत नरेंद्र गिरी मौत की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी बनाई। डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी मौत के सभी पहलुओं की जांच करेगी। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद गिरफ्तार उनके शिष्य आनंद गिरी को प्रयागराज लाया गया, एसओजी की टीम को सौंपा गया। महेंद्र नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 लगाई गई है। महंत की संदिग्ध मौत पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। सुसाइड लेटर की फॉरेंसिक जांच हो रही है। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मई में 40 करोड़ की जमीन बेचे जाने को लेकर मनमुटाव था। इस दौरान मठ से जुड़े एक शख्स की मौत भी हुई थी। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के समझौते की चिट्ठी भी आई। समझौते के बाद नरेंद्र गिरी ने आनंद को माफ किया था। महंत नरेंद्र गिरी मौत में बड़ा खुलासा। सूत्रों का दावा, किसी वीडियो को लेकर परेशान चल रहे थे नरेंद्र गिरी। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य ने वीडियो की पुष्टि की। कहा, वीडियो में नरेंद्र गिरी में अपनी आपबीती भी कही गई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसपी सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री भी जांच के घेरे में। अभी पुलिस को नहीं मिला है मौत से कोई सीधा कनेक्शन। महंत नरेंद्र गिरी मौत के केस में जांच का दायरा बढ़ा। एडिशनल एसपी ओपी पांडे से भी पूछताछ होगी। बीजेपी के एक नेता सुधीर मिश्रा की भी समझौते में भूमिका। सुधीर मिश्रा से भी पूछताछ करेगी पुलिस। महंत की संदिग्ध मौत में एक और खुलासा। सूत्रों का दावा, पुलिस की जांच में बिल्डर राजेश त्रिपाठी का नाम। मठ की संपत्तियों का समझौता कराने में हाथ। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिस वालों से पूछताछ। मठ में मौजूद शिष्यों और अनुयायियों से भी पूछताछ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद यूपी के सीएम योगी का बड़ा ऐलान। एक एक राज का होगा पर्दाफाश। दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। योगी ने प्रयागराज के बागमरी मठ में नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन किए। कहा, एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयाग कर रहे हैं जांच। सीएम योगी ने लोगों से बयानबाजी से बचने को भी कहा। जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से जांच करने दें। महंत नरेंद्र गिरी का कल होगा अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने कहा, पोस्टमार्टम के बाद धार्मिक रीति रिवाज से समाधि दी जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रद्धांजलि दी। कहा, महाराज जी का जाना कष्टकारी। नरेंद्र गिरी की मौत की सच्चाई जल्द आएगी सामने। अखिलेश ने हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। कहा, सभी लोग जानना चाहते हैं क्या है मौत की मिस्ट्री। प्रयागराज में अखिलेश यादव ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। कहा, सुनने में आ रहा है महंत नरेंद्र गिरी की जमीन पर बुलडोजर चलने वाले थे। एनसीपी ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बहाने योगी पर हमला बोला। नवाब मलिक ने कहा, महंत के राज में महंत सुरक्षित नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, महंत नरेंद्र गिरी की मौत रहस्य में। पूरे मामले की जांच कराने की बात कही। कुछ छिपाने की हो सकती है कोशिश। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक पूछे गए थे सवाल। अब पूरा महाराष्ट्र जानना चाहता है क्या हुआ और कैसे हुआ। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर साध्वी प्रज्ञा के बयान, कोई शिष्य गुरु की हत्या नहीं कर सकता। घटना में हिंदू धर्म के विरोधियों का हाथ हो सकता है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर दुख जताया। कहा, कुछ लोग क्रोध और द्वेष में इस तरह के कदम उठाते हैं। सीबीआई जांच कराकर सच सामने लाना चाहिए। पंजाब के सीएम चन्नी दोनों डिप्टी सीएम और राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट पर मोहर लगेगी। पंजाब के सीएम और राहुल की मुलाकात में कैबिनेट विस्तार पर मोहर लगेगी। शिमला से लौट रहे हैं राहुल। शिवसेना नेता आनंद गीते का एनसीपी चीफ शरद पवार पर करारा हमला। कहा, पवार नहीं हो सकते शिवसैनिकों के गुरु। कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। रायगढ़ की रैली में बोले अनंत गीते। कहा, अब तक सरकार है तब तक हम पवार के साथ हैं। हमारे गुरु केवल बाला साहब ठाकरे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए दिलीप घोष। पार्टी ने बालूरघाट से लोकसभा सांसद सुकांत मजुमदार को कमान सौंपी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोलकाता पहुंचे सुकांत मजुमदार का जोरदार स्वागत हुआ। कहा, टीम की तरह काम करेंगे। मिशन गोवा पर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। 7 अहम ऐलान किए। हर घर में एक युवा को रोजगार देने का भी वादा किया। केजरीवाल ने रोजगार मिलने तक 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते का भी वादा किया। कहा, सरकारी और निजी नौकरियों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का वादा। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुना जाना तय। बंगाल ने 4 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नॉमिनेशन। साथ में मौजूद थे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी राज्यसभा उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश में पर्चा भरा। मौके पर मौजूद थे सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गणेश विसर्जन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हिंसा। सत्ताधारी पार्टी YSRCP और तेलुगुदेशम पार्टी के समर्थक आपस में भिड़े। गुंटूर में हुई हिंसा में 7 लोग घायल हुए। टीडीपी नेता का आरोप, YSRCP समर्थकों के घर के फर्नीचर और 6 गाड़ियों में भी आग लगाई। इंदौर में अपमानजनक तरीके से गणेश मूर्तियों के विसर्जन का वीडियो वायरल। नगर निगम के कर्मचारी पानी में मूर्तियों को फेंकते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद 9 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। 2 को सस्पेंड किया गया। पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहा था। महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच फिर बड़ा तकरार। राज्यपाल ने सीएम को खत लिखा। महिलाओं पर अत्याचार को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सलाह। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा, राज्य में महिला अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से की थी मुलाकात।
मुलाकात, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को पत्र लिखकर जवाब दिया, कहा राज्यपाल केंद्र को खत लिखकर संसद का चार दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग करें, महिला सुरक्षा पर चर्चा हो। उद्धव ठाकरे ने कहा संसद के विशेष सत्र में साकिनाका केस पर भी चर्चा हो, गवर्नर केंद्र सरकार को खत लिखें। 24 अक्टूबर को कॉड समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक होगी, पहली बार आमने सामने बैठक होगी, व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान। बाइडेन से मिलने से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 23 सितंबर को मुलाकात, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक आज से शुरू, पहले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया आईपीएम के साथ भी पीएम मोदी की बैठक होगी, 25 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करेंगे मोदी। ब्रिटेन के फैसले पर भारी विवाद, कोविशील्ड की दो डोज लगने की नहीं देगा मान्यता, भारत से ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश मंत्री के सामने उठाया ब्रिटेन के क्वारंटीन नियम का मुद्दा, न्यूयॉर्क में ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ब्रिटेन पर दोहरे मापदंड के आरोप लगाए, विरोध में रद्द किया अपना ब्रिटेन दौरा। दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को नवंबर से अमेरिका में नहीं होना पड़ेगा क्वारंटीन, वैक्सीन रिपोर्ट के साथ देनी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए भी जानकारी देनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का प्रोटेस्ट, निर्माण कार्य में जुड़े लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन को अनिवार्य करने का विरोध हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश, जख्मी पायलट और को पायलट ने दम तोड़ा। हादसे के वक्त रूटीन ट्रेनिंग उड़ान पर था सेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर, घने जंगलों के बीच हादसा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्टील कंटेनर में छिपा कर रखे आईईडी को किया डिफ्यूज। सीएम योगी ने मुरादाबाद को सौगात दी, कई योजनाओं पर का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान एसएसबी ने आयोजित की साइकिल रैली, सीएम योगी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसएसबी की साइकिल रैली में 2384 किलोमीटर तय कर 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। योगी ने कहा हमारे पास आजादी की कीमत से वर्तमान पीढ़ी को रूबरू कराने का अवसर। 2 महीने बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर निकले राजकुंद्रा, मुंबई की अदालत ने पोर्नोग्राफी केस में कल जमानत दी थी। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में लुकआउट नोटिस जारी, कुंद्रा के सहयोगी यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी के खिलाफ जारी हुआ नोटिस। राजकुंद्रा को जमानत के बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने कहा जांच के दौरान कुंद्रा के मोबाइल लैपटॉप और हार्ड डिस्क से मिले 119 पॉर्न वीडियोस। गुजरात के पोरबंदर में पकड़ी गई 150 करोड़ की ड्रग्स, एटीएस और कोस्ट गार्ड के ज्वाइंट ऑपरेशन में ईरान की नाव से 7 गिरफ्तार। भारत में ड्रग्स की खेप पहुंचाने में पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा, पाकिस्तानी ड्रग माफिया गुलाम और ईरानी ड्रग माफिया इमाम के आदेश पर भारतीय सीमा में ड्रग्स पहुंचे। कच्छ की मुद्रा बंदरगाह पर राजस्व खुफिया निदेशालय ने करीब 3000 किलो हेरोइन भी जब्त की, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के जलगांव में गिरी 3 मंजिला इमारत, मलबा हटाने का काम जारी, जर्जर हालत की वजह से इमारत के गिरने से पहले ही खाली करवा लिया गया था। अमरावती में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, मोशी इलाके में एक बेकाबू ट्रैक्टर डिवाइडर तोड़कर सड़क की दूसरी तरफ गिरा, ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी। भारी बारिश के 24 घंटे बाद भी कोलकाता की सड़क पानी, सड़क और सोसाइटीज में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। जम्मू में पैंथर्स पार्टी का विरोध प्रदर्शन, महाराजा हरी सिंह की जयंती पर सरकारी छुट्टी की मांग। जम्मू कश्मीर में खुले 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों में हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। देश में कोरोना के 26,115 नए केसेस, 252 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1 अक्टूबर से नई आबकारी नीति लागू होगी, 105 वार्ड में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, 17 नवंबर से दिल्ली में खुलेंगी नई शराब की दुकानें। कर्नाटक के कलबुर्गी के किसानों को नहीं हो रहा टमाटर की फसल से फायदा, 1 किलो टमाटर के लिए किसानों ने की 3 की जगह 20 रुपए की मांग। कृतपक्ष के पहले दिन संगम पहुंचे श्रद्धालु, अपने अपने परिवार के पूर्वजों को नमन किया, तर्पण किया। भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट पर श्रद्धालु उमड़े, पूर्वजों के लिए तर्पण और श्राद्ध किया। आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ वाणिज्य उत्सव, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग ने आयोजन किया है। अफगानिस्तान में तालिबान कैबिनेट का विस्तार, फिर महिलाओं को नहीं मिली जगह, तालिबान ने कहा लड़कियों को जल्द देंगे स्कूल लौटने की छूट। कनाडा के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ने जीता संसदीय चुनाव, पार्टी 148 सीट पर चल रही है आगे। कनाडा के पीएम ट्रूडो ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा कोरोना से लड़ाई और जलवायु परिवर्तन एक्शन पर पूरा देश एकजुट। अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के सीनियर आतंकी को ढेर किया, द्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में ड्रोन से गाड़ी को निशाना बनाया। 2016 के मुकदमे को निपटाने के लिए 80.9 करोड़ डॉलर देगा ट्विटर, यूजर्स के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में ट्विटर निदेशक डोरिस ने दायर किया था मुकदमा। पनडुब्बी विवाद पर यूरोपीय यूनियन ने फ्रांस का समर्थन किया, यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्रियों ने बैठक के बाद आपसी सहयोग और बढ़ाने को कहा। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका के साथ साख का संकट, ऑस्ट्रेलिया के साथ पनडुब्बी डील पर धोखे का आरोप लगाया। हॉलीवुड की मशहूर फिल्म होटल रवाना के हीरो को सुनाई गई 25 साल जेल की सजा, रवाना ने हमला करने वाले विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप।
स्पेन में ज्वालामुखी से निकलते लावे से दहशत, 100 से ज्यादा घरों को नुकसान। आसपास के इलाकों में 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। हालात पर नजर रख रहे हैं वैज्ञानिक। अमेरिका के ह्यूस्टन में गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई, दूसरा घायल। फायरिंग करने वाला शख्स भी मारा गया। साउथ कोरिया के मशहूर ग्रुप BTS के सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष बैठक में स्पीच। कोरोना के बावजूद युवाओं को बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की उम्मीद जताई। IPL में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला। पहले चरण में राजस्थान रॉयल्स ने 7 मैचों में 3 में जीत दर्ज की थी। KL राहुल की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को करना होगा अच्छा प्रदर्शन। पंजाब किंग्स ने पहले चरण में 8 मैचों में केवल 3 मुकाबले जीते। अर्जेंटीना में चल रही टैंगो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, 25 देशों के डांसर्स ले रहे हैं हिस्सा। 26 सितंबर को ग्रैंड फिनाले। इंग्लैंड दौरे पर पहुंची न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम को लीस्टर में मिली बम की धमकी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दोनों टीमों के बीच तय समय पर होगा तीसरा वनडे मैच। एशियन चैंपियनशिप में जगह नहीं मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हामिद शिनवारी को बर्खास्त किया। अनस हक्कानी ने जारी किया आदेश। अमिताभ ने अपनी नातिन नव्य नवेली को पियानो बजाते वीडियो शेयर किया। लिखा, ये पोस्ट एक नातिन के लिए नाना की हौसला अफजाई है। म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आएंगे अंगद बेदी और हिना खान। अंगद बेदी ने गाने का टीजर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिग बॉस 15 में नजर आएंगे निशांत भट्ट। बिग बॉस OTT में रहे हैं फर्स्ट रनर अप। द कपिल शर्मा शो में नजर आएंगे वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ। कपिल ने क्रिकेटर्स की लव मैरिज पर चुटकी ली, पूछा लव मैरिज के लिए बाहर फील्डिंग का टाइम कब मिल जाता है। पंचगनी में शूटिंग कर रहे कार्तिक आर्यन का ड्राइव करते हुए रास्ता भूल गए, पुलिस वालों से मदद करने से पहले भी सेल्फी खींची। रानी मुखर्जी की आने वाली फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग खत्म हुई। एस्टोनिया में 1 महीने से शूटिंग चल रही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।